हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। अभी ढंग से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया मूली और थोड़ा सा धनिया। हम इसमें डालेंगे मिक्स मसाला। तो फटाफट से तैयारी करते हैं मूली के पराठे की, क्योंकि ठंडियों के दिनों में अगर पराठा ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। सबके घर में पराठे बनते हैं, तो हम भी बना रहे हैं मूली के पराठे, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो, मूली से देखिए हमने ये पानी अलग कर दिया है। इस पानी को हम बर्बाद नहीं करेंगे, इसे हम आटे के साथ गूंथ लेंगे, और जिससे ये बर्बाद भी ना हो। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो लोग घी और तेल को अवॉइड कर सकते हैं। जब पराठा बन जाता है तो पराठा निकाल के नीचे उसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। अब हम धनिया को बारीक काट देंगे, बिल्कुल बारीक। धनिया हमारा कट चुका है, अब हम इसको मूली में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और जो मैंने मिक्स मसाले बताए थे उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये देखो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो बनाते हैं पराठे फटाफट से। यहाँ पे मैं देखिए, पहले मैंने एक गोली बनाई और उससे मैं रोटी बना रही हूँ। फिर मैं दूसरी गोली लूँगी और एक रोटी और बनाऊँगी। अब इसमें हम भरेंगे मसाला मूली का। तो यहाँ पे मसाले मैंने भर लिए हैं। मैं एक रोटी को उसके ऊपर से रखूँगी, फिर अच्छे से प्रेस करूँगी किनारों से, और इस कटोरी की सहायता से मैं इसकी कटिंग करूँगी, जिससे कि पराठा हमारा गोल बने। कटिंग हो चुकी है, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस हमने पहले से ऑन करके रखा था, और पहले मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना है तो लेट हो जाता है। तो पहले उनके लिए बनाती हूँ, फिर अपने लिए बाद में बनाऊँगी। अमनन तो स्कूल चले गया, उसके लिए तो हमने आलू का पराठा बनाया था, वो मूली का पराठा नहीं खाता है। और मेरे हस्बैंड को करारे पराठे पसंद। पे करारे पराठे बना रही हूँ, आप सॉफ्ट भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड की प्लेट रेडी हो चुकी है। मैंने बनाई आलू मटर की सब्जी, और ये वो घी है जो मैंने बना के दिखाया था आपको, चाय और ये पराठे।